शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शुक्रवार को गोरखपुर में बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन के लिए प्रचार करने पहुंचे। महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान पर आरएसएस और भाजपा महिला मोर्चा की महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का नवनिर्माण करना है तो महिला विकास से बढ़कर अब महिला द्वारा विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। ये हमारे समाज हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है कि पूरे विश्व में पूरे संसार में कभी ये कल्पना नहीं की कि ये कल्पना सिर्फ भारत ने ही की है। नर और नारी, शिव और शक्ति, अर्धनारीश्वर का रूप ही आधार है हमारे समाज का। आगे बोलते हुए स्मृति ने कहा कि समाज ने, इस देश ने जितना भाइयों को योगदान दिया है, मंगल पांडे को देखा है, उसी तरह इस देश ने रानी लक्ष्मीबाई के जौहर को भी देखा है, उनकी शक्ति को भी देखा, उनके पराक्रम को भी देखा। इस अवसर पर पूर्व महापौर अंजू चौधरी, पूर्व महापौर सत्या पांडे सहित बड़ी संख्या में आरएसएस और भाजपा महिला मोर्चा की महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। मुख्य अतिथि को बुलाना है जी, डायरेक्ट बुलवा दीजिए। मंच पर अतिथि गण शपथ ग्रहण है, माननीय स्मृति ईरानी जी कार्यक्रम की अध्यक्ष मंच पर उपस्थित हूँ। आज इस प्रांगण में हार्दिक वंदन अभिनंदन मैं स्वागत करती हूँ आज के इस स्कूटी रेस्क्यू की। आप जयदार तालियों के साथ मंत्री जी का स्वागत करें और साथ ही साथ मंत्री, आप सभी को ज्ञात है कि श्रीमती स्मृति ईरानी जी भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल का नई दिल्ली के होली चाइल्ड और जिलियम स्कूल से प्राप्त किया है। आपने अपने नाम की जिसकी घोषणा बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य मैडम डॉक्टर मीतू सिंह जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी पांडे जी, संस्कृति शिक्षा संस्थान, श्रीमती माया गुप्ता जी, विश्व हिंदू परिषद। अब मैं वरना भाजपाइयों के साथ आजकल प्रियंकाएं कम ही खड़ी होती है। भारतीय जनता पार्टी की शोभा, अरे यार मोबाइल वाला, भारतीय जनता पार्टी की शान, अरे क्या कर रहे भैया, और भारतीय जनता पार्टी की वो शक्ति जो युद्ध की भूमि पर विजय श्री का तिलक, अरे हाथी उठा पंकज, हर प्रत्याशी के माथे पर लगाती है। ऐसी मेरी स्नेही बहनों को और गिने चुने भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूँ, आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। चुनाव के इस अंतिम पड़ाव पर, कैंपेन के इस अंतिम दिन में हम भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताएं गौरवान्वित हैं कि हमें संगठन ने ये मौका दिया कि आज अंतिम चरण के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम रवि जी के समर्थन में एक बाइक रैली निकालेंगे। मुझसे कहा गया दीदी आइए और सिर्फ झंडा देकर चले जाइए, और मेरा अनुभव यह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ऐसा जो सेना को बीच मतदान में छोड़कर नहीं जाता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन परिवार ऐसा जो अगर बाइक रैली में गोरखपुर की बहनें आई हैं तो उनके संग बाइक पर बैठने का मुझे भी अवसर मिले। एक तेज रफ्तार के साथ हम आगे बढ़े। कुछ भाइयों को संकोच था कि दीदी चला लेंगी, मैंने कहा भैया घर चला लेते हैं, उससे बड़ी बात तो नहीं होगी। कुछ भाइयों ने कहा दीदी गिरेंगी तो नहीं, हमने कहा भाई महिला जब एक गृहस्थी में पहला कदम रखती है
तो अग्नि के फेरे लेकर ये संकल्प देती है प्रभु के सामने कि अगर जीवन में पति भी कभी लड़खड़ा जाए तो उसको संभाल लेंगे। जो जीवन भर दूसरों को संभालती आई है वो बाइक नहीं संभाल पाएगी। और आज इस रैली के माध्यम से संकेत समाज में मात्र ये कि इस राष्ट्र ने महिला विकास के बारे में कई चर्चाएं सुने, कई नेताओं के भाषण सुने, लेकिन राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का नव निर्माण करना है तो महिला विकास से बढ़कर अब महिला द्वारा विकास पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। यह हमारे समाज, हमारे संस्कृति का अभिन्न अंग रहा कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में कभी यह कल्पना नहीं थी, यह कल्पना सिर्फ और सिर्फ भारत में थी कि नर और नारी, शिव और शक्ति, अर्ध नारेश्वर का रूप ही आधार है हमारे समाज का। स्वतंत्रता संग्राम में इस देश ने जितना भाइयों का योगदान देखा, मंगल पांडे को देखा, उसी तरह इस देश ने रानी लक्ष्मीबाई के जोहर को भी देखा, उनकी शक्ति को भी देखा, उनके पराक्रम को भी देखा। और आज गोरखपुर की सही बहनों के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत में एक नया इतिहास रचने के प्रयास में हम सब बहनों का एक छोटा सा योगदान होगा। यह योगदान इसलिए क्योंकि साल 2014 में पहली बार एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने संकल्प लिया कि मैं अपने आप को प्रधान सेवक घोषित करता हूं, मेरे लिए प्रजा प्रभु तुल्य है और मैं संसद को, लोकतंत्र के मंदिर को स्वच्छ रखूंगा। ये बात शायद उनको समझ नहीं आई जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। ये बात उसे समझ में आई जो जानता कि गरीब परिवार की माताएं, बहनें, बहू, बेटियां रात का अंधेरा तलाशती हमारे देश में ताकि वो आराम से खुले में शौच कर सके। ये बात वो नहीं समझा जिसने जीवन पूरा एयर कंडीशन में बिताया। ये बात वो समझा जिसकी मां ने दूसरों के घरों में काम किया ताकि बच्चे का पेट पाल सके। और इसीलिए हम महिला कार्यकर्ताएं इस बात का गौरव करती हैं कि भारत के इतिहास में स्वतंत्र भारत के 70 साल के बाद पहली बार 10 करोड़ गरीब परिवारों को अपना शौचालय मिला। इसलिए आज की ये रैली हर उस गरीब माँ, बेटी, बहू, बहन के समर्थन में रैली है जिसको जीवन में पहली बार शौचालय मिला, जो पहली बार जीवन में रात का अंधेरा नहीं तलाशती बल्कि इज्जत घर पाती। आज ये रैली उस नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के समर्थन की रैली है। ये रैली उस महिला के समर्थन में है जिसने कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ चूल्हा फूका, धुएं को अपनी छाती में भरा, वो खांसते खांसते मर जाती लेकिन कांग्रेस के किसी नेता के कान तक उसकी खांसी नहीं पहुंचती। ये रैली उस बहन के समर्थन में है जिसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का सिलेंडर मिला। ये भारतीय जनता पार्टी की बहनों का गौरव है कि 5 साल में 7 करोड़ गरीब महिलाओं को पहली बार सिलेंडर दिलाया तो भाजपा ने दिलाया। और सभी बहनें आतुर हैं फोन पे फोटो खींचने के लिए, सभी बहनें आतुर हैं एक फोटो, एक सेल्फी के लिए। लेकिन सोचिए ये बहनें एक तरफ
तरफ हाथ में मोबाइल लेकर सेल्फी खींचती हैं और कांग्रेस की बहनें हाथ में सांप के साथ खेलती हैं। इसलिए आज हमें प्रण लेना है कि डिजिटल इंडिया के प्रधानमंत्री के आह्वान में हम सबको आधुनिक भारत के नव निर्माण में अपनी ओर से योगदान देना है। रवि जी की लक्ष्मी विराजमान है मंच पर, अब जिसका नाम ही रवि है उसका भारत की राजनीति में सूर्योदय तो होना ही है। और जब लक्ष्मी खुद बैठी हो तो कमल का फूल खिलना भी निश्चित है। तो इसलिए आज हम सब संकल्प लें कि जितनी बहनें इस रैली में संग आएंगी वो पोलिंग बूथ पर जाकर 19 को सब परिवार और मोहल्ले की गांव की सभी बहनों के साथ जाकर कमल का बटन दबाएं। आज इस रैली में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत सारी बहनों ने और कुछ भाइयों ने भी पूछा अमेठी का क्या हाल है। आज गोरखपुर का भी उसमें हाथ है ये बतलाने आए। मात्र योगी जी की बात नहीं करती, यहाँ आप ही की एक बेटी अमेठी आई और कंधे से कंधा मिलाकर इतने दिन उसने मेरे साथ संघर्ष किया, वो बैठी वहां वर्षा। 23 तारीख को जब धमाका होगा एक लड्डू वर्षा को भी दीजिएगा, क्योंकि इसका भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा, जितना कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का। भाजपा की महिला कार्यकर्ता अगर संकल्प ले ले तो आसमान छू सकती है। आज मात्र धरातल पर रहकर तेज रफ्तार से हमें पोलिंग बूथ तक बढ़ना है और कमल का फूल खिलाना है, जनता का शुभाशीष रवि जी को दिलाना है। इसी निवेदन को आपके श्री चरणों में रखते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की।